क्रिकेट के खेल में आउट, नोट आउट और इसके जैसे बहुत सारे डिसीजंस अंपायर लेते हैं, और ये तो हमें पता ही है कि ऑनगोइंग मैच में दो अंपायर क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और अंपायर क्रिकेट ग्राउंड के बाहर बैठा होता है, जिसे हम लोग थर्ड अंपायर कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि थर्ड अंपायर का कॉन्सेप्ट क्रिकेट इतिहास में कब शुरू किया गया, और वो पहला ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जिसे क्रिकेट इतिहास में थर्ड अंपायर ने सबसे पहले आउट करार दिया था? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। थर्ड अंपायर का कॉन्सेप्ट 1996 के वर्ल्ड कप से शुरू किया गया था, यानी कि 1996 के वर्ल्ड कप में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, और सचिन तेंदुलकर वो पहले खिलाड़ी थे क्रिकेट इतिहास के जिनको थर्ड अंपायर ने आउट दिया था। गाइस, ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। फरवरी 2002 के एक वनडे मैच में इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया। अब हार जीत तो गेम में चलती रहती है, लेकिन इंग्लैंड के एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी टी शर्ट उतारी और नंगे बदन पूरे वानखेड़े स्टेडियम का चक्कर लगाते हुए इंडिया टीम का मजाक उड़ाया। अब ऐसी हरकत की है तो बदला तो लेना बनता है। बदले का मौका आया 4 महीने बाद ही, जब लॉर्ड्स के मैदान पे इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल मैच चल रहा था, और उसे इंडिया ने ना सिर्फ जीता, ट्रॉफी अपने नाम की, और उसी वक्त सौरभ गांगुली ने इसका बदला भी लिया। उसने भी टी शर्ट उतारी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आपको ये इंसिडेंट सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूल। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मोटेरा में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच मात्र 2 ही दिन में खत्म हो गया, जिसमें इंग्लैंड अपने लोएस्ट स्कोर 81 रन पे आउट हो गया। इस मैच के हीरो रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने पूरे मैच में 11 विकेट निकाले। गाइस, अक्षर पटेल का टेस्ट करियर देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। उन्होंने मात्र 2 ही टेस्ट खेले हैं जिसमें 18 विकेट लिए हैं, और उसमें से भी 3 बार वो 5 या 5 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा ही टेस्ट मैच की खास बात यह रही कि इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फिनाले से बाहर हो गया है। जी हां गाइस, अब अगर अगला टेस्ट मैच इंडिया जीत जाता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फिनाले वो न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा, और अगर हार जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, लेकिन इंग्लैंड का पत्ता साफ हो चुका है। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। 4 टेस्ट मैच की सीरीज में जब इंग्लैंड ने इंडिया को पहला ही मैच हरा दिया था, तो किसी को यह अंदाजा भी नहीं होगा कि टीम इंडिया इतना तगड़ा कमबैक करेगी। आगे के 3 टेस्ट मैच इंडिया ने कमबैक करते हुए और अपना गेम दिखाते हुए जीत लिए, और इसी के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। आखिरी मैच तो बड़ा ही गजब था, सिर्फ 3 दिन में ही खत्म हो गया, जिसमें भी इंडिया ने इंग्लैंड को 1 पारी और 25 रन से हराया। अंदाजा लगाइए कि टीम इंडिया की डोमिनेंस इस टेस्ट सीरीज में किस तरह की रही होगी। और इसी के साथ ही टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बना ली, जिसमें जून में वो न्यूजीलैंड के साथ लॉर्ड्स के मैदान पे खेलेगी। गाइस, आपका टीम इंडिया की जीत के बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच चल रहा था। 18वें ओवर में फ्लिंटॉफ को युवराज सिंह ने 2 छक्के जड़े। फ्लिंटॉफ से रहा नहीं गया, उसने युवराज सिंह को कुछ अपशब्द कह डाले। इसके बाद युवराज सिंह का पारा 7वें आसमान पर था। अगला ओवर फेंकने आ रहे स्टुअर्ट ब्रॉड को यह अंदाजा भी नहीं था कि फ्लिंटॉफ की गलतियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। फिर क्या था, स्टुअर्ट ब्रॉड की अगली 6 गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना डाला, और 12 ही गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया, और भारत ने वो मैच भी जीता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि युवराज सिंह ने अपना पूरा गुस्सा परफॉर्मेंस करके निकाला। आप लोग याद रखिए कि आपकी सक्सेस ही विरोधियों के लिए जवाब है। सो साइलेंट रहो और काम करते जाओ। गाइस, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा बैट कौन सा है और वो कितने में बिका था? डोंट वरी, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। ये वही बैट है जिससे महेंद्र सिंह धोनी ने अप्रैल 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया को छक्का मार के जितवाया था। जी हाँ, ये वही बैट है, और इसे रिकॉर्ड 1,21,00,000 रुपए में एक इंडियन फर्म आरके ग्लोबल ने लंदन के चैरिटी ऑक्शन में खरीदा था। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया में ही हराना नामुमकिन सा काम है, और वो भी ब्रिस्बेन जैसे मैदान पर जहां पर ऑस्ट्रेलिया पिछले 32 सालों से कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारी है। लेकिन नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाना ही तो इंडियन क्रिकेट टीम की खास बात है। जी हां गाइस, इंडियन क्रिकेट टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत छीन ली और टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर लिया, और वो भी तब जब विराट कोहली जैसे खिलाड़ी टीम में थे ही नहीं और 10 से ज्यादा खिलाड़ी इंजर्ड थे। शुभमन गिल, ऋषभ पंत और सिराज जैसे यंग ब्लड ने जो कर दिखाया है उसे लोग सदियों सदियों तक याद रखेंगे। गाइस, आपका इस जीत पे क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।